हेलो स्टूडेंट मैं उषा विमानी आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट फॉर क्लास एट क्लास एट का हम चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ेंगे सेकेंड पढ़ेंगे उसका नाम क्या है माइक्रोबल वर्ल्ड माइक्रोबल वर्ल्ड्स मतलब क्या होता है कि जो हमारे आसपास कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते उसको हम क्या बोलेंगे माइक्रोबल वर्ल्ड पढ़ेंगे अब इसमें हम किसके मन पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गनिज़म माइक्रोब्स एज आवर फ्रेंड फूड और स्पॉलिश टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो भेजफोए और फूड प्रिजर्वेशन अब हम स्टार्ट करते हैं स्टडी तो हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज़म जो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देते हैं हमको आँखों से नहीं देख सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि कहाँ पाए जाते हैं सॉइल में वाटर में एयर में तो हम उसको क्या बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलेंगे और जिसको हम देख नहीं सकते हमारी आँखों से लेकिन किससे देख सकते हैं हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स बोलेंगे अब जो माइक्रोस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी करता है जो उसकी पढ़ाई करते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे और जो इसके बारे में लिखता है साइंटिस्ट होते हैं उसको क्या बोलेंगे हम माइक्रो बायोलॉजिस्ट बोलेंगे अब हम पढ़ेंगे कुछ जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो क्या क्या है अब हम वाइज वो पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं बहुत सारे अलग अलग सेल्स होते हैं लेकिन हर सेल एक ही होता है फॉर एग्जांपल अगर किसी का भी सेल है तो वह एक होगा बहुत सारे सेल्स तो हो होंगे लेकिन सब एक एक और अलग अलग होंगे हम इसको किसके थ्रू देख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हम इसको देख सकते हैं दे ऑक्योर इन द एयर वाटर सॉइल कहाँ कहाँ मिलते हैं हमको पानी में मिल जाएंगी हवा में मिल जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे दे कैन एग्जिस्ट इन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर जैसे जैसे जगह टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो लोग क्या करते हैं भागना शुरू कर देते हैं मतलब वहाँ से वो चले जाते हैं ड्यूरिंग अनफेरेबल कंडीशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैम सेल्फ इन अ हार्ड डिस्टेंट कवरिंग कॉल्ड य when in normal condition become favorable the yeast vapors and microorganism come out and multiply the microorganism may be autotrophs the microorganism may be autotroph bhi ho sakte hain heterotroph bhi ho sakte hain saprophytic भी हो सकते हैं और parasitic भी हो सकते हैं अब autotrophs क्या होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको हम ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उसको हेटोट्रॉप्स बोलेंगे और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड मरे हुए लोगों के मरे हुए इंसानों मरे हुए चीज़ों से अपना खाना बनाते हैं उसको हम बोलेंगे सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक वो होते हैं जो इंसान की स्किन पर चिपक कर अपना खाना बनाते हैं सब माइक्रो जो कुछ माइक्रो रहते हैं वो हेल्पफुल रहते हैं बल्कि कुछ माइक्रो हमारे लिए बुरे रहते हैं जो कुछ माइक्रोनिज़्म हेल्पफुल रहते हैं वो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में हेल्पफुल रहते हैं अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे आया था तो द डिस्कवरी ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लोज रिलेटेड विद द एडवांसमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जब हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता पड़ा तब हमने माइक्रोस्कोप के बारे में भी पढ़ा अब सबसे सब पहले जो है वो है एंटन व्योल्यूवेन वो कौन है अब बचमैन है जिसने नाइनटीन सॉरी सिक्सटीन फिफ्टी सेवन में डिस्कवर किया था किसको एक स्मॉल लिविंग क्रेचर को बारिश के पानी में और उसने देखा था किसको उसके माइक्रोस्कोप के थ्रू उसने देखा था अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्या आ रहा है लुइस पास्टर ये क्या है द फादर ऑफ बैक्ट्रोलॉजी इसको फादर पिता कहा जाता है किसका इसका का जिसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहाँ में बताया था हवा में बताया था कि हवा में भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है जो कि हमारे फूड में पाया जाता है और जो हमारे को बीमार करता है तो वो उसने हमको बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एयर में भी होती है और ये सबसे ने सबसे बड़ी थ्योरी दी किसके बारे में थ्योरी दी डिस के बारे में थ्योरी दी अब हम पढ़ेंगे रॉबर्ट कोच तो रॉबर्ट कोच क्या है इसने बहुत सारी टेक्निक बताई जिससे हम बैक्टीरिया या वायरस को हैंडल कर सकते हैं जब हमारे इसमें माइक्रो रहते हैं जो हमको बीमार कर देते हैं तो ये जो रॉबर्ट कोच है उसने बताया कि हमको कैसे उसका इलाज करना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज हेल्प इन द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमने जब इन्होंने डिस्कवरी करी किसके माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करी तो हमको ये पता पड़ा डिटेल में पता पड़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है डेड एंड डिगे ऑर्गेनिक मैटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे जहाँ पाया जाता है डेड एंड डिगे में पाया जाता है अब हम पढ़ेंगे हैबिट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हैबिट्स क्या क्या है माइक्रो ऑर्गनिज्म की तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड पार्शली एवरीवेयर एंड इट ऑल इन्वॉर्मेंट्स दे कैन बी फाउंड ये क्या होता है जो माइक्रो ऑर्जम होता है हर जगह पाया जाता है लेकिन स्पेशली कहाँ पाया जाता है एयर में सॉइल में और वाटर में अब टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं फर्स्ट होता है बैक्टीरिया फाइव होते हैं बैक्टीरिया एल्गी फंगाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस तो हम अब इसके बारे में डीपली धीरे धीरे पढ़ेंगे तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में तो बैक्टीरिया क्या होता है ये क्या होता है आ, बिल्कुल छोटा सा होता है और काफ़ी पुराना सा ये चलता आ रहा है और इसके बहुत सारे शेप्स होते हैं हमारे प्लानट पर ठीक तो है ऑल बैक्टीरिया आर मोस्टली प्रेजेंट हैज़ अ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हर बैक्टीरिया है वो क्या होता है सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है लेकिन कभी कभी क्या होता है ये लोग कॉलोनीज़ मतलब ग्रुप में हमको मिलेंगे वैसे हमको बहुत सारे ग्रुप्स में भी मिल जाते हैं हर जगह कहाँ मिलते हैं हमको ये एयर और वाटर और कभी कभी हमको खाने में भी मिल जाते हैं जब हम बैक्टीरिया को खाने के समय खा लेते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं हमको बहुत सारी बीमारी हो जाती है अब कौन कौन सी बीमारी हो जाती है कॉलेरा हुआ टाइफाइड हुआ हमको बीमारी हो जाती है जब हम इसे इस, जो हम गंदा पानी पी लेते हैं तो उससे तो तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती है ये देखिए अब हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया तरीके इसका नाम क्या है बैकेली इस तरह हमें कॉकई को देखो ये अलग अलग बैक्टीरिया रखे रखें आपको ये सब अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं जिसको तो हम देख नहीं सकते हम किसके थ्रू देखते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं अब हम पढ़ेंगे एल्गी एल्गी के सिंगुलर पुल क्या हो जाएगा एल्गा ये भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एक प्लांट के रूप में होता है ये भी यूनिसेलर और मल्टी सेलर एक भी होते हैं और बहुत सारे भी होते हैं इन सेल्स के अंदर क्लोरोफिल बनाया जाता है तो बच्चों अगर जिस सेल्स के अंदर क्लोरोफिल बनाया जाता है तो वो अपना खाना खुद बना सकते हैं ड्यू टू तो प्रेजेंस ऑफ कलर देकर फोटोस इन मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं सम एल्गी कलर पिगमेंट किसी का ग्रीन होता है किसी का ब्लू होता है वो कलर किसके ऊपर डिपेंड रहेगा उसके एलगी के ऊपर डिपेंड रहेगा अब कैन बी क्लास वैन टू डिफरेंट कर जैसे ग्रीन एलगी ब्लू एलगी ब्लू ग्रीन एलगी मतलब किसी एलगी का कलर तो ग्रीन होता है किसी का ब्लू होता है किसी का ब्लू ग्रीन होता है सम एग्जाम्पल ऑफ एलगी एलगी की एग्जाम्पल क्या है सिप्रोगरा सीवीड्स वॉलेक्स कॉलेरा एंड डायमोटोम डाइटोम्स अभी देखिए आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं तीन एग्जाम्पल्स दे रखे हैं क्या है एलगी आप देखिए ये भी ग्रीन कलर की है ये ग्रीन और ब्लू कलर की है और ये ब्लू कलर की एलगी से अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे फंगाई फंगाई को हम क्या बोलते हैं फंगस आपने देखा होगा अगर हम एक ब्रेड का पीस अगर हम ब्रेड के अंदर आ, एक ब्रेड का पीस अगर हम बाहर रख दें पाँच छः दिन में उसमें एक फंगाई फफूंद जम जाती है जिम जाती है अगर हम वो उसको खा लेंगे तो क्या होगा हम हाँ बीमार पड़ जाएंगे तो इसी तरह मतलब जो फंगाई होती है वह ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है जो कि ब्रेड वगैरह पे जम जाती है इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है ब्रेड तो फंगाई क्या है तो आप फंगाई पढ़ते हैं फंगाई आर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म ये ग्रीन कलर के नहीं होती है ये कैसी होती है थ्रेड लाइक एक धागे की तरह होती है दे में भी यूनिसेलर और मल्टी ये एक भी हो सकती है और बहुत सारी भी हो सकती है यूनिसेलर मतलब एक और मल्टी सेल मतलब बहुत सारी ये किस्में पाई जाती है गर्म जगहों पे पाई जाती है जहाँ ज़्यादा गर्मी होती है ना वहाँ पाई जाती है फंगइस कैन बी हाइड्रोट्रॉफिक ये अपना खाना खुद नहीं बनाती हैं किसी और के डिपेंड पर होती हैं या कोई इंसान कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसके ऊपर डिपेंड रहती है इसके एग्जाम्पल्स देखो इधर के ईस्ट ट्राइजोप्स आगरीस और पेनीशिलियम ये क्या है अलग अलग फंगाई के एग्जाम्पल्स हैं अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे प्रोटोजो के बारे में पढ़ेंगे प्रोटोजो प्रोटो को प्रोटोजोन के नाम से भी जाना जाता है ये एक जैसे ही होते हैं और हर एनिमल में एक जैसे होते हैं और ये काय में आ जाते हैं जब हम खाना खाते हैं तभी हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं ये भी क्या होते हैं हाइट्रोट्रॉपिक ये है, अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं यहाँ मोस्टली एक्वेटिक नेचर ही सबसे ज़्यादा कहाँ जाते कहाँ पाए जाते हैं एक्वेटिक मतलब पानी के इलाकों में पाए जाते हैं और देखिए नॉकेर इन कॉलोनी से लोग झुंड में पाए जाते हैं सम पैराटिस अगर प्लास्मोडियम दैट कजन मलेरिया कुछ जो पैरासाइटिक है प्रोटोजोन है वो क्या है प्लास्मोडियम है जिससे कौन सी बीमारी होती है हमको मलेरिया होती है विद सम प्लेन इम्पॉर्टेंट की वाटर से सेवर ड्रिंकिंग सम ऑफ अदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ पैराशियम ट्रेप्रोनसोम एमोबिया अब आप ये रखें इसके एग्जाम्पल से रखें आपको पता है आप लोगों ने एडवर्टाइज देखे होंगे कई बार आपको एडवर्टाइज बताए होंगे कि हमको जो गंदा पानी है उसको सेव नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया अब कौन से बैक्टीरिया होते हैं कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे हमको बीमारी फैल जाती है हमको मलेरिया हो जाता है हमको बहुत बिखार हो जाता है डेंगू हो जाता है तो किसके कारण होता है हमको इसके कारण ही होता है अब हम पढ़ेंगे वायरस तो वायरस क्या होता है वायरस क्या होता है मोस्ट ऑफ़ इज सफर्ड फ्रॉम वायरल फीवर आपने देखा होगा जन लोग वायरल फीवर से होती है अगर मेरे को सर्दी है और मेरे पास कोई बैठा है तो उसको भी सर्दी हो जाती है तो वायरस क्या होता है एक से दूसरे की तरफ फैलता है वायरस केन ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वायरस किस किससे देखा जाता है माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जाता है माइक्रोस्कोप ऐसी चीज़ होती है जिससे हमको छोटे छोटे माइड वायरस दिखते हैं दे डू नॉट हैव एनी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है देखिए इनका कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होता है ये अलग अलग तरह के होती है देखिए ये अलग है देन ये अलग है और ये भी अलग अलग है तो मतलब इसके जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं वो क्या है अलग अलग होते हैं वायरस कैन रिप्रोड्यूस ऑन इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म विच मीन्स दे नीड अ होस्ट मतलब क्या होता है वायरस हमको एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ बढ़ता है जिसको हम बोलेंगे होस्ट बोलेंगे वायरस इज़ लाइक अ नॉन लिविंग थिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म देयर फॉर सम साइंटिस्ट बिलीव दैट इज इन बॉर्डर लैंड बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग ये क्या होता है ये जो वायरस होता है लिविंग थिंग मतलब जो खाते पीते लोग हैं और नॉन लिविंग थिंग जो नहीं खाते हैं बाई चांस इससे कभी कभी क्या होता है कि मान लो एक पेड़ है वहाँ पे मतलब कुछ वायरस छोड़ के गया है कोई एनिमल तो जो हमारी फ्लाई रहती है वो वहाँ से वायरस लेकर हमारे खाने पे बैठ जाती है जिससे हम लोग क्या जाते हो जाता है वायरस हो जाता है तो ये वायरस लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग के इसमें ट्रांसफ़र होता है ये सबसे ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है टेबोकोमोसिक वायरस इज एग्जाम्पल और प्लाइट टेबोकोमोसिक वायरस जो है वो किसका एग्जाम्पल है प्लांट वायरस का एग्जाम्पल है इन एनिमल्स एन इन ह्यूम जैसे एवलन फ्लू पोलियो स्वाइन फ्लू सम वायरस कैन इवन इन्फेक्टेड बैक्टीरिया बैक्टीरियो ग्राफिस ग्राफेट्स तो जो कुछ होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं और ह्यूम्स में किस तरह पाए जाते हैं आपने बुढ़ा का स्वाइन फ्लू पोलियो जो ये सब प्रॉब्लम होती है वो सब क्या आती है हमको वायरस के कारण होती है तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर वायरस के बारे में पढ़ा लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे जो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे दोस्त भी होते हैं तो कुछ ऐसे माइक्रोजम होते हैं जो तो हमारे दोस्त में होते हैं तो जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमको कमर्शियल यूजर्स मतलब हमको बिजनेस के लिए हेल्पफुल रहते हैं सम ऑफ माई कॉन्स आर गिवन बिलो मेकिंग कर्ड एंड चीज आपने देखा होगा जो जो दही है और जो चीज़ है वो कैसे बनती है दूध से बनती है लेकिन वो बनती कब है जब जब हम दूध को फाड़ते हैं तो बनती है तो आपने देखा होगा जब हम जब मम्मी दही, दही बनाती है तो क्या करती है एक चम्मच दही का किस्मत डाल देती है गर्म दूध में डाल देती है और उसको पूरी रात रखेगी तो नेक्स्ट डे क्या बन जाएगा दही बन जाएगी लेकिन वो दही क्यों बनी क्योंकि उस दही के अंदर क्या था एक लेक्टोब्लैसेसिस नाम का बैक्टीरिया था जो कि एक स्पून कर्ड में था और उसने पूरे मिल्क को गाय में बदल दिया एक दही में बदल दिया तो सो स्टूडेंट जब हम दही बेचने जाएंगे तो ये कमर्शियल पर्पज कमर्शियल पर्पज़ मतलब हमारे जो बिजनेस जो हमको पैसा देता हो तो उसके लिए काम आती है अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इसका तो स्टूडेंट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू एसिड्स और अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम मतलब जब शुगर जो होता है वो चेंज होता है अल्कोहल में तो उसको हम क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन आपको पता है जो अल्कोहल क्या होती है दारू दारू कैसे बनती है जो गड़े आ, सड़े हुए अंगूर होते हैं उनसे बनती है तो जब सड़े हुए अंगूर जब अल्कोहल में चेंज होते हैं तो उस प्रोमे प्रोसेस हम क्या बोलेंगे फर्मेंटेशन क्या बोलेंगे फर्मेंटेशन द प्रोडक्शन ऑफ चीज़ एंड पनीर इट आल्सो इन्वॉल्व अ बैक्टीरिया जब हम चीज़ बनाते हो और पनीर बनाते हो उसमें भी कौन सा बैक्टीरिया लगता है लेक्टोब्लैसेस और स्ट्रे पोटोकोसिस कौन सा लगता है स्ट्रे पोटोकॉसिस कर्ड एंड चीज मैन्युफैक्चर आल्सो एड अ सबस्टेंस कार्ड्रेंटेड यूजली ऑप्टेंट फ्रॉम द स्टमक लिप्स ऑफ यंग कैटल हमको ये कहाँ से मिलता है कार्ड रोट चीज कैसे बनता है दूध से बनता है और किसके दूध से बनता है यंग कैटल मतलब जवान गाय से बनता है अब हम पढ़ेंगे मेकिंग एल्कोहल तो एल्कोहल कैसे बनती है वो मैं आपको बताती हूँ प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल बिवरेजेस लाइक बियर एंड वाइन इन्वॉल्व फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन बैरली एंड ग्रेप्स मैंने अभी आपको बताया जो अंगूर रहते हैं उनसे बनती है और अंगूरों में क्या प्रेजेंट रहता है शुगर तो शुगर कायम भी चेंज होता है अल्कोहल भी चेंज होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं फर्मेंटेशन बोलते हैं तो मेकिंग ब्रेड अब ब्रेड बनाने के लिए भी क्या यूज होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिससे हम लोग ब्रेड्स बनाते हैं तो कैसे बनाते थे प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड इन्वॉल्व नीडिंग अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर क्या मिलाते हैं हम उसके अंदर आटा मिलाते हैं सॉल्ट मिलाते हैं शुगर मिलाते हैं और उसके अंदर कौन से रहते हैं कुछ सेल्स होते हैं और वाटर रहते हैं जिससे हम क्या बनाते हैं ब्रेड बनाते हैं। जो यीस्ट नाम का जो सेल्स रहता है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है शुगर टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड से और इसके कारण क्या हो जाता है हमारी ब्रेड क्या हो जाती है रेडी हो जाती है अब हम पढ़ेंगे मेकिंग विनेगर कॉफ़ी एंड टुबैको अब जो विनेगर होते हैं जो कॉफीज होते हैं जो टुबेको होते हैं जो मसाले वगैरह होते हैं हो, वो सब कैसे बनते हैं बैक्टीरिया से बनते हैं जो टूथपेस्ट होती है वो भी कैसे बनती है बैक्टीरिया से बनती है। से बनती। कौन से बैक्टीरिया से बनती है एंथोमोनास और कैम्पेस्ट्रीज कैसे बनती है एंथोमोनोमास एंड कैम्पेस्ट्री से बनती है अब हम पढ़ेंगे मेडिकल यूजेस अब कुछ ऐसे जो होते हैं जो हमारी मेडिकल के लिए भी यूज में आते हैं तो कुछ ऐसे फंगाइ और बैक्टीरिया रहते हैं जिनसे हम लोग क्या बनाते हैं एंटीबायोटिक्स बनाते हैं मतलब दवाई बनाते हैं जो कि हमारे लिए डिस के काम करती है और हमारे के अंदर जो गंदे बैक्टीरिया रहते हैं उनको किल्स करती है ठीक है द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फॉर डिस्कर बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो फर्स्ट एंटीबायोटिक और दवाइयाँ थी वो किसने बनाई थी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी यूजिंग द फंगस और पेनल सम अदर कॉमन एंटीबायोटिक्स बहुत सारे कॉमन एंटीबायोटिक्स बने उसके बाद बहुत सारे बने अभी एंटीबायोटिक्स जैसे बनते हैं फंगाई और बैक्टीरिया से बनते हैं मेकिंग वैक्सीन वैक्सीन्स आपको टीकाकरण होता है छोटे बच्चे को तो वो भी कैसे बना हुआ रहता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम से ही बना हुआ रहता है एनी डिसीज काइक्रोब इंटर्स और वॉड इज रिफर टू एंटीन इट्स रिपोर्ट प्रोड्यूस प्रोटीन ऑफ द एंटी ऐसे कुछ होते हैं एंटीजें जो ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हमको प्रोटेक्ट करते हैं कोई भी बीमारी से जिसको हम क्या बोलते हैं वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन क्या बोलते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन हम उसको बोलते हैं अब हम पढ़ेंगे माइक्रोब इंसान सॉइल फर्टिलिटी जो कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो हेल्पफुल करते हैं किसको जो सॉइल रहती है हमारी मिट्टी रहती है उसका पोषण करने में हेल्पफुल रहते हैं मतलब क्या करते हैं सॉइल को सॉइल को नाइट्रोजन देते हैं जिससे वो जो किसान है जब वो खेती करे तो उसकी खेती जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होए अब कुछ माइक्रो ऑर्गेजम क्या करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करते हैं वो कैसे क्लीन करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम हेल्प टू कीप अवर इन्वायरमेंट नेचुरली क्लीन बाय द डॉम्पोजिंग डेड मैटर सॉइल एंड दस मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम रहते हैं वो क्या होते हैं मर जाते हैं तो मरने के बाद वो किसके काम आते हैं सॉयल के काम आते हैं तो जो इससे क्या होता है जो हमारा इन्वायरमेंट क्या आता है वो क्लीन होना शुरू हो जाता है बैक्टीरिया कैन बी एरोबिक और एनएरोबिक व्हेन एडेड टू द वेस्ट वाटर माइक्रोब्स गेट इन्वॉल्व सर्टेन केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस इन्जाइम एंड द क्लीन वास्ट क्लीन वेल वास्टर जब हम हमारे गंदे पानी को केमिकल रिएक्शन से या केमिकली उसको साफ करते हैं उससे क्या होता है जो गंदे जो एंजाइम्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं वो मर जाते हैं एंजाइम्स मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं पानी के अंदर वो मर जाते हैं अपार्ट फ्रॉम द डिस्कड यूज माइक्रोस आल्सो उस फल सेपरेटिंग फाइबर सम प्लांट्स कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फाइबर्स होते हैं जो फाइबर मतलब क्या होता है जो छोटे छोटे रेशेज होते हैं और प्लांट्स से निकालने के लिए हेल्पफुल रहते हैं और वो बैक, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो परफ्यूम्स बनाने के लिए भी काम आते हैं सम बैक्टीरिया प्रोडक्शन ऑफ परफ्यूम्स बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो किसके लिए भी होते हैं परफ्यूम्स बनाने के लिए भी काम में आते हैं अब हम क्या पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गनिज्म हैज़ अ फॉय कुछ माइक्रोब्स क्या होते हैं फॉय मतलब हमारे दुश्मन होते हैं फॉय मतलब क्या होता है हमारे दुश्मन होते हैं माइक्रो ऑर्गेजम के हार्मफुल अब कैसे कैसे रहते हैं वो बीमारियां देते हैं किसको ह्यूमन को देते हैं प्लांट्स को देते हैं एनिमल्स को होते हैं और ये हमारे खाने को भी स्पॉइल करते हैं अब अब ह्यूमन बींग में कैसे रहते हैं ड्रम्स में एंटर द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेजम थ्रू एयर फूड वाटर इन्फेक्टेड पर्सन बाय डायरेक्ट और डायरेक्ट कॉन्टेंट द करियर अगर हमारे इसमें कुछ भी बीमारी की ऐसी आएगी तो खाने के थ्रू आती है हवा से आती है या लोग हमको पानी से मिलती है जो हवा और पानी से आती है उसको हम क्या बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़ेस बोलेंगे अब वो कौन कौन सी डिसीज होती है कॉलेरा हो जाती है हमको कभी कभी टाइफेड्स भी हो जाता है सर्दी भी हो जाती है चिकन पॉक्स भी हो जाता है अब कुछ जो डिसीज रहते हैं वो हवा से हमको मिलते हैं कौन कौन से रहते हैं सर्दी हो गया ट्यूबरक्लोसिस हो गया कैन स्प्रेड थ्रू द ड्रॉपलेट जब हवा चलती है तो हवा के कारण हम लोग बीमार हो जाते हैं कभी हमको सर्दी हो रही है हमको खांसी हो रही तो वो किसके थ्रू होती है हवा के थ्रू होती है। अब कुछ होते हैं वैक्टर ब्रॉन डिसीजेस वैक्टर ब्रॉन्सिस क्या होता है कभी कभी क्या होता है कूड़ा या कचरा है गंदगी या मान लो कि फ्लाइस आके हमारे खाने पे बैठ गई तो जो फ्लाइज़ के पास जर्मस रहेंगे वो कहाँ चले जाएंगे खाने मतलब इनडायरेक्टली भी हमको क्या मिल रहा है फ़ीवर मिल जाता है क्यों हमारे तो गलती नहीं हमने तो साफ़ खाना खाया लेकिन खाने के ऊपर कौन आके बैठ गई गए बैठ गई मतलब मक्खी बैठ गई तो हम क्या हो जाएंगे बीमार हो जाएंगे जिससे हमको क्या हो जाता है डेंगू हो जाएगा मलेरिया हो जाएगा ठीक है ये सब हो जाता है अब कुछ कॉमन डिसीजेजी ह्यूमन बीग्स में ये आप खुद पढ़ना तो आपको समझ आएगा कौन कौन से डिसीजेज हमको होती है माइक्रोब से ये हमको एनिमल्स का दे रखा है तो अभी एनिमल्स का भी आपको स्टडी करना है देन हमको कुछ प्लांट्स में भी डिसीज जो है वो कैसी होती है वो भी आपको यहाँ पढ़ना है तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे फूड स्पॉयलेज अब फूड कैसे खराब हो जाता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे क्या करती है जैसे मतलब फूड खराब हो जाता है वो हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉयल फूड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फूड को एक स्पॉयल कर देती है मतलब खराब कर देती है मैनी बैक्टीरिया एंड फंगाई ग्रो ऑन द फूड आइटम्स एंड प्रोड्यूस सर्टन सर्टन टॉक्सिन सब्सटेंस क्या होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहती है क्या करती है हमारे फूड को स्पॉइल कर देती है उसमें बहुत सारे टॉक्सिन सब्सटेंसेस लेते हैं जिसको अगर हम खा लेते हैं तो हम क्या जाते हैं बीमार पड़ जाते हैं और हमको वॉमिटिंग हो जाती है हम एबनॉर्मल हो जाते हैं हमको कभी कभी लूज मोशंस भी हो जाते हैं तो अब क्या आता है फूड फूड प्रिजर्वेशन अब हमको क्या करना है अगर हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम से बचना है तो हमको फूड प्रिजर्वेशन फूड प्रिजर्वेशन मतलब होता है फूड को बचा के रखना संभाल के रखना फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दूध है तो दूध जो होता है वो जल्दी ख़राब हो जाता है अगर हम